नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार की बात करें तो पूरे दिन के दौरान मार्केट वीक रहा है, कुछ खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है। अगर आप आज के बाजार में कुछ अच्छा ढूंढें तो 11 बजे तक जितना पेन पैनिक था वो 11 बजे तक था, 11 बजे के बाद उससे ज्यादा नहीं हुआ है, उतना ही रह गया। 11 बजे तक जो आपकी मैक्सिमम पोर्टफोलियो टूटी होगी वो 11 बजे के लगभग टूटी होगी, उसके बाद या तो साइडवे हो गई होगी या हल्की रिकवरी हुई होगी। क्योंकि अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो वो सुबह भी 2% टूटा हुआ था, 2.5% और अभी भी 2.5% ही नीचे है। मिड कैप इंडेक्स मॉर्निंग में 11 बजे ऑलमोस्ट 3% टूट गया था और ये अभी 2.3% डाउन है, तो एडिशनल गिरावट नहीं हुई। और इसके बारे में मैंने आपके साथ 12:30 बजे वाली वीडियो में बात भी करी थी कि 11 बजे जो लो लगे थे वो लो अभी तक ब्रेक नहीं हुए, अच्छी बात है। अब फ्रेश तेजी या मंदी की बात करें तो दोस्तों अभी हम 24,200 के भी अगर नीचे बंद होते हैं, अभी 24,140 है, अच्छी बात है, 3 बजे का समय हो रहा है। अगर यहां से हम 60 पॉइंट रिकवर होके 24,200 के ऊपर बंद होते हैं देन हमारे लिए ये अच्छा रहेगा, निफ्टी लेवल्स के हिसाब से अच्छा रहेगा। और 24,200 के भी नीचे अगर बंद होते हैं तो ये थोड़ा और नेगेटिव साइड पे एड ऑन हो जाएगा। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें 2-2.25% नीचे है, मार्केट ब्रेथ हद से ज्यादा खराब है। और मैं आपको एक बड़ी अपडेट देता हूं दोस्तों, FIIs की सेलिंग हो रही है दबा के। अमेरिका में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले अमेरिका कह रहा है कि एक बार इसराइल ईरान पे हमला करेगा। अब इलेक्शंस की अपडेट ये आ रही है, देखो बाजार चाहता है डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए, लेकिन अभी फ्रेश जो वोटिंग पॉपुलरिटी आ रही है वो नेक टू नेक है भाई साहब, कांटे की टक्कर दिख रही है। एक डेटा आया है, कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप आर टाइड फॉर द पॉपुलर वोट 48% to 48% फाइनल। सिंपल बोला जाए तो दोनों को सेम सेम वोट्स मिले हैं, तो वन साइडेड नहीं हो रहा है कुछ भी। अगर कमला हैरिस आई तो ये भी बाजार को पसंद नहीं आएगा, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन हमें एक चीज समझनी है, जो नेगेटिव हो सकता है ना बाजार उस पर पहले ही रिएक्ट कर रहा है। अभी तक हम पॉजिटिव चीजों पर रिएक्ट करते थे, अभी हम नेगेटिव चीजों पर रिएक्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर नेगेटिव हुआ और उस दिन पैनिक सेलिंग आई वो बॉटम बनेगा। आज ये वीडियो नोट कर लो, जो जो देख रहे हैं, मैं दिन की 10-11 वीडियो बनाता हूं, मुझे नहीं पता आप कौन सी देख रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है जो मैं ये बोल रहा हूं वो नोट कर ले, जो गिरावट है वो होने दो। जिस दिन इलेक्शन के नतीजे आए और गलती से डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतते हैं, कमला हैरिस आ जाती है, तो बाजार क्रिएट करेगा एक बड़ा क्रैश और वो क्रैश पैनिक सेलिंग क्रिएट करेगा और वो पैनिक सेलिंग बॉटम बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टूट चुका है, वहां एक्शन होगा और फिर लोगों को लगेगा अरे यार इसकी वजह से अब तो बाजार क्रैश होगा और मार्केट कर देगा सेल ऑन रूमर्स एंड बाय ऑन न्यूज, ये कर देगा जहां तक मुझे लगता है। तो फिर ये आपके लिए मैं अभी बता रहा हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो फिर तो अच्छा ही है बाजार के लिए पोजिशनल बेसिस पे देखा जाए। तो ये तो गई आपके लिए मार्केट की बात। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, केवल एकमात्र FMCG क्षेत्र ऐसा था जो हरे निशान में 0.5% की तेजी में था, बाकी सबकी धज्जियां उड़ी पड़ी थी। मेटल 2.5% नीचे, मतलब ऐसा ऐसा भाव आ गया है शेयर्स का, जो मैं आपके साथ बोलता था तो ऐसा लगता था यार ये क्या बोल रहा है फालतू की बात, ऐसे ऐसे स्टॉक्स हो गए हैं भाई साहब। अब मतलब जो भाव हम खरीदने के लिए ढूंढते थे ना वो हमें इजीली मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल है लग रहा है यहां से भी टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल मेटल से अगर मैं हिंद कॉपर की बात करूं, 270 रुपए पे मिल रहा है, सोचो आप 300 रुपए के नीचे जाएगा तो खरीदने के बारे में सोचेंगे, ये कहते थे हम 270 पे। एक बार मैंने खरीदवाया भी था आपको जिस दिन कोई पैनिक सेलिंग हुई थी, उसके बाद 350 पे बिकवाया, अभी 270 वापस हो गया है। बताओ आप हिंद जिंक का भाव देखो, आप हिंडालको का भाव देखो, आप मेटल छोड़ के दूसरे क्षेत्र में आओगे तो ऑटो मीडिया, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है स्टॉक्स का, हर भाव मिल रहा है इस समय हमें। टाटा मोटर्स 920 पे पहले एक्यूमुलेशन की बोला था, अभी 860 मिल रहा है, तो भाव बहुत लालच वाले हो गए हैं क्वालिटी स्टॉक्स के। और शिपिंग, रेलवे, डिफेंस, इनमें जो इंसान कहता रहा खरीदो खरीदो खरीदो, 50-60% ऑलरेडी लूज कर चुका है और यहां से भी और लूज कर देगा। अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक देखें तो सबसे ज्यादा डिफेंस इंडेक्स टूटी है 25-26% के समथिंग, ये दर्शा रहा है कि कहां ज्यादा पेन है। निफ्टी का इंडसइंड बैंक 18% क्रैश हो गया। पूना वाला फिनकॉर्प जो पूरे बाजार को बड़ा पसंद आता था, इसे आपने बहुत बार बड़े बड़े एनालिस्ट को रिकमेंड करते हुए सुना होगा, रिजल्ट्स के बाद 14% क्रैश हो गया। MRPL 7%, हिंद पेट्रो कच्चा तेल नीचे है उसके बावजूद ये 8.5-8% क्रैश हो रहा है।
डिक्सन टेक, चलो रिकवरी आ रही है, 13,000 लग गया था सुबह, तो अभी 13,900 हो गया, यानी 14,000 की तरफ आ रहा है, अच्छी बात है। जेएनके बैंक, थर्मैक्स, बिकाजी, लॉरस लैब, इंडियन होटल, ये हरे निशान में कामयाब हैं, टिके हुए हैं और तेजी दिखा रहे हैं। निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, लगभग सभी नेगेटिव है, 42 नेगेटिव है, केवल 8 पॉजिटिव है। आईटीसी, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, यूनिलीवर एंड सनफार्मा, कोटक, एचसीएल टेक, टीसीएस, ये हरे निशान में, बाकी सब लाल है। जहां पे अदानी एंटरप्राइजेस एंड इंडसइंड बैंक तो बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस में भी बड़ी डिप आते हुए दिख रही है आप सभी को। अब बाजार क्यों गिरा है आज, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, सेल ऑफ है, दैट्स इट। क्योंकि आज कोई सोच, आज हम एक्सपायरी का प्रेशर नहीं, फ्रेश एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, ब्लैक फ्राइडे है, बस ये कह लीजिए आप, और कुछ नहीं कह सकते आप इससे ज्यादा। तो आज बाजार ने गिरावट दिखाई है, सारे लेवल्स जो नीचे के थे वो, अगर आप अच्छा देखना चाहें तो वो ये कह सकता है कि जो जो हमें लेवल चाहिए था वो आ गया 24,200 के नीचे, 24,000 से 23,900 एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट रेंज में घुसे हैं हम। अब ये ब्रीच होगी, ब्रेक होगी, तो फिर फर्दर गिरावट के बारे में सोचेंगे, वरना यहाँ से एक पुल बैक, बाउंस बैक हम अगले हफ्ते अटेम्प्ट करेंगे क्या, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बट ये जरूर दिख रहा है कि मार्केट में अब कुछ अच्छा तो नहीं है, बहुत खराब हो रही है सिचुएशन, बस यही कहना चाहूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, रीजन मत ढूंढेगा क्यों गिरा बाजार, आज कोई रीजन है ही नहीं एक्चुअली में, और अगर कोई रीजन देने की कोशिश कर रहा है तो आई थिंक मेकिंग फूल, बस इससे ज्यादा कहूंगा, इससे ज्यादा क्या कहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।